ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती। कानून जो है, जो आइन जो है, उनको ख्वाहिशात का इजहार करने की जो है वो फ़र्ज जो है उनके ज़िम्मे नहीं डालता, बल्कि ऑर्डर करने का ज़िम्मा डालता है। मेरे नज़दीक जो है अदालतें जो हैं, चाहे वो लोअर अदालतें हों, चाहे हाई कोर्ट हों या अदालत उज़्मा हों, मैं उनका बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। तो मैं तो उनके ऑर्डर का जो है मुंतज़र था, लेकिन उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार करना शुरू कर दिया कि आपकी क्या, हमारी ये ख्वाहिश है। उसके बाद मैं फिर इस बात पे आऊँगा कि ये सुओ मोटो, ये नोटिसेज, ये रातों को अदालतें, ये दिन को अदालतें, और ये तशवीश, ये एंग्जाइटी जो है, ये जब कानून पामाल हो रहा था, आइन पामाल हो रहा था इसी शख्स के, इमरान खान की ख्वाहिशात के ऊपर, शहबाज शरीफ अदालत में जाता है आशियाना के लिए, पकड़ लिया उसको साफ पानी में, और किसी ने नहीं पूछा 90 दिन पूरे हमने गुजारे, यहां तो 14 दिन का रिमांड था, हमने तो कानून जो है वो अमेंड कर दिया, और उसका सबसे पहला जो है बेनिफिशरी जो है वो इमरान खान हुआ। खैर, ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन उन 90 दिनों में किसी को ख्याल ना आया कि हम इन लोगों को बुला के भी पूछ लेंगे आप पे क्या गुजर रही है, इनकी कस्टडी भी किसी रेस्ट हाउस में दे दें। मुझे 12 दिन जो है जमीन के ऊपर उन्होंने 2 कंबल दे के लटा दिया जेल के अंदर, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब तो उस रेस्ट हाउस में फैसिलिटीज का भी पूछा जाता है कि जहां पे इनको रात रखा जा रहा है वहां पे फैसिलिटीज क्या है। ये इस मुल्क में 2 मयार क्यों हैं? ये हर जगह 2 मयार हैं, आम जिंदगी में भी 2 मयार हैं, कानून के भी, आइन के भी, हर किसी चीज के 2 मयार हैं। वो कहते हैं मुझे डंडे मारे गए हैं, उसके बाद मुझे कोई चीज याद नहीं रही। अभी यादाश्त जो है इसी तरह, जब मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि जब चाहा यादाश्त जो है गायब हो गई, जब चाहा यादाश्त वापस आ गई, मेडिकल उनका जो तहवील में हुआ है, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मेडिकल हुआ है, वो मेडिकल और उनके जाती अस्पताल जो खैराती अस्पताल है उसके मेडिकल में जमीन आसमान का फर्क। वहाँ पे जो उनके ज़ख्म जो हैं, वो ज़ख्म जो हैं वो उनकी नोयत और है, यहाँ पे 7 डॉक्टरों ने जो कुछ किया है उनकी नोयत और है। तो ये कौम को कब तक जो है बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? 400-500 गज़ का फासला है, कम से कम 400-500 कदम का तो ज़रूर फासला है, वो जल के जो कॉरिडोर में गए तो उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और सारे पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा कि वहाँ पे उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत ना पड़ी, और ना खुदा नखास्ता उनकी चाल में कोई ये ज़ाहिर हो रहा था कि इनकी एक टांग जो है वो ज़ख्मी है या उसमें तकलीफ़ है, या जिस तरह वो कहते रहे हैं कि मुझे दुख है। फिर जो है पुरतशद्दद मुजाहिरों के, अगर वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तो जो गिरफ्तारी से पहले उनका वीडियो पैगाम नशर हुआ है उसमें क्या तलकीन की गई थी, उन्होंने अपने जो है वो वर्कर्स को क्या कहा था? क्या उन्होंने तशद्दद के लिए नहीं उकसाया? क्या उन्होंने वायलेंस जो है वो प्रीच नहीं किया, और उस वायलेंस का क्या नतीजा रहा?
अदालत उज़्मा को सुओ मोटो लेना चाहिए था शोहदा की यादगारों के ऊपर, जिन्होंने जाने कुर्बाने कुर्बान किए इस वतन के लिए, उनकी जो है यादगारों के ऊपर हमला हुआ, उनको डिफेस किया गया, उनकी बेहुर्मती की गई, आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, वतन की दफा के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो इंस्टॉलेशनें इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला हुआ, इसका तो कोई सुओ मोटो नहीं लिया गया, इससे तो कोई तशवीश की लहर नहीं दौड़ी दौड़ी अदलिया के अंदर। लेकिन एक फर्दे वाहद जो है, मैं को अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, को उसको बड़ी इज्जत आबरू के साथ जो है एक रेस्ट हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ किसी रेस्ट हाउस में ना रहा, आसफ जरदारी साहब किसी रेस्ट हाउस में ना रहे, उनकी अमशीरा किसी रेस्ट हाउस में ना रही, मरियम नवाज किसी रेस्ट हाउस में ना रही, मैं और शहबाज शरीफ जो है हम हमसाए थे जेल में, हमारा सेल था, साथ साथ हमारे हमजा भी था, हमें तो किसी रेस्ट हाउस में ना रखा गया, हमें तो घर से खाना मंगवाने के लिए भी अदालतों में जाना पड़ता था। यहां अदालत उज़्मा ने इंश्योर किया है कि वहां पे तमाम फैसिलिटी, साथ 10 बंदे भी जाके मिले। हर चीज को जो है वो कलम बंद किया गया है, श्योर किया गया है कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो है जो इमरान खान साहब की जरूरत हो वो उससे महरूम ना हो, बकायदा ऑर्डर में लिख दिया गया है। मुझे ये बताया जाए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि ये दोहरा मयार क्यों है? उसने पाकिस्तान में तमाम कम से कम पंजाब में और केपी के अंदर जिस तरह घराओ जलाओ और जिस तरह की जो है वो जबान इस्तेमाल की है उसके लीडरों ने, ख्वातीन लीडरों ने भी, आप प्रेस वाले हैं, आपको सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि उनकी साबिक वज़रा जो हैं क्या कह रही हैं, उनके लीडर क्या कह रहे हैं, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरफ जाने की हदायत की जा रही है कि आपने फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है। क्या ये मुल्क की सालमियत पे हमला नहीं है? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? क्या ये बनता नहीं है कि इसका नोटिस लिया जाए? क्या अदलिया की के कान पे जूं भी रिंगी है इन चीजों के ऊपर? बड़ा पोलाइटली अदब के साथ कहा जाए, हमारी ख्वाहिश है, यानी अदलिया जो है वो ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी जो है गुरेज कर रही है, वो ख्वाहिश जो है रिक्वेस्ट कह देते। तो ये जो है इस तरह जो ये हालात हैं, कोई नहीं, वक्त जो है वो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह हालात जो है करवट लेते हैं। लेकिन एक गुफ्तगू जो है मंजरे आम पे आई है, वहां पे एक वकील साहब जिनका नाम जो है उसके नाम के साथ सरनेम मेरे वाला ही है, वो एक आपकी बिरादरी के बंदे को बता रहे हैं कि फैसला ये आना है। एनजी है ना, गल को मैं गलत नहीं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं उन्होंने। कयूम सिद्दीकी साहब को कुछ और भी बताया है जो सोमवार मंगल को होने वाला है, नहीं तो सही नहीं पहुंचे आप देखें। और फिर यह है कि एक मुलजम हमें कम से कम, मैं 6 महीने कैद में रहा हूं और 3 बेंच टूटे थे, लोग हमारी जमानत की जो है एप्लीकेशन जो सुनने से इनकारी होते, 3 बेंच। ये एक दफा ये परवेज अलाई साहब को जिसने रिलीफ दिया हाईकोर्ट के जज ने, ये एक दफा ये भी इन्होंने भी रिक्यूज कर लिया था कि जी मैंने इनका केस नहीं सुनना, मैं बाकियों के नाम ने मुझे याद नहीं है। लेकिन आप देखें, फिर एक और है, एक खातून है उसको हदायत दे रहा है कैदी जो है कस्टडी में, एक बंदा हदायत दे रहा है
कि आप फलां फलां से कांटेक्ट करें, आजम स्वाती साहब को कहें कि फलां से कांटेक्ट करें। अब मैं फलां के जो है वो मेरे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं नहीं स्पेकुलेट करता कि किससे रबता करना है। ये वतन अजीज में क्या हो रहा है? क्या इस तरह रियासतें चलाती हैं, चलती हैं? ये रियासत के ऊपर हमला हुआ हुआ है। ये जो कुछ हुआ है, हमारी डिफेंस की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये कभी खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता सोच भी नहीं सकते। और हमारी अफवाज जो है इन हमलों को जाने कुर्बान करके जो है अपनी वो डिफेंड करती हैं अपनी रियासत को और अपनी इंस्टॉलेशंस को। लेकिन जो कुछ लाहौर में हुआ, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, पिशावर में हुआ, रेडियो पाकिस्तान देखें, ये पैटर्न है। ये एक नई बात नहीं की पीटीआई के सपोर्टर्स ने, नई बात नहीं की। आप विटनेस हैं 2014 में क्या हुआ था, यहां पे पार्लियामेंट में हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ, जिस इमारत में हम बैठे हुए हैं इस पे हमला हुआ। ये एक पैटर्न है। वो कह रहा ना कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले मैसेज दिया और प्रेसिडेंट सेट की। और जो आज सदारती महल में बैठा हुआ है, कसरे सदारत में जो बैठा हुआ है, प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है, ये कंप्लायंस की रिपोर्ट टेलीफोन पे दे रहा था। ये भी आप लोगों ने चलाई हुई है कि हमने तुम्हारे हुक्म की तामील की है और टीवी पे भी कब्जा हो गया है, फलां जगह पे भी कब्जा हो गया है। ये एक बाकायदा पैटर्न है, एक दहशतगर्द तंजीम का एक पैटर्न है। जीएचक्यू के ऊपर इससे पहले सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया हुआ है और अब तहरीक इंसाफ ने किया है। अगर ये किसी और पार्टी ने खुदा नखास्ता किया होता, किसी और एलिमेंट ने किया होता, तो उसको किस तरह आपने डिफाइन करना था, किस तरह उसको क्या नाम देना था, क्या उसने आपने उसको किस तरह लेबल करना था। लेकिन इतनी इज्जत और तकरीम की जा रही है, साडे नसीब भैड़े है ने कि छे छे महीने जमानत नहीं होंगी, इतने दो रातों के जड़ा है वो कहता मुझे याद ही कुछ नहीं कि मेरे मैं मुझे कुछ नहीं, मुझे डंडे पड़े हैं। हो सकता है लवाजमात दान मुहैया हो तो उसकी वजह से याददाश्त जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपसे राबता रहेगा। लेकिन मेरी नहायत हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं कि ये दोरा में यार जो है वो क्यों है? ये हमारी दफा ना सुओ मोटो होता था, ना इंसाफ की जो हिस्सा है वो जागती थी। अब पता नहीं ये दो रातें किस तरह इन्होंने कट ली हैं। इन्होंने उसले को 15 मिनट ही क्यों नहीं इंसाफ देता गया है? तो ये मैं आप लोगों ने कोई सवालात करने हैं तो मैं हाजिर हूं। सनाउल्लाह साहब ब्रांच से सर, सर दो सवाल है। तो ये बता दें कि एक अफवाह भी आ रही है कि तजवीज है कि मुल्क में कोई इमरजेंसी नाफिज हो सकती है कि 200 जी अभी तक तो कोई इस किस्म का फैसला नहीं किया गया, लेकिन अगर हालात ने ये डिमांड किया और ये फैसला कभी ना कर सकती है, अगर हालात ने ये डिमांड किया तो इमरजेंसी भी लग सकती है। नहीं, बुलाया नहीं आगे इमरान खान को लेके आओ, एक ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट, प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा, वो मार्क कर देगा क्यानी नू, मोशन क्यानी नू, मोशन क्यानी बेल कर दे। चल होर गल कर, ठीक रास्ता जे। हाँ सर, हेलो सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच के मैसेज सर जी, सर मैंने मैसेज पहुंचाया है, इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं
और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं लेकिन वो ख्वाजा हारिस है जो ख्वाजा हारिस सलमान सफदर दोनों मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ बैठी हूँ। यू वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो आजम साथी का कहना जी सर, सर आप बेफिक्र हो जाए, हम तो ये नहीं ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए फलाने आए तो हमने कहा कि अभी अब सलमान सफदर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना, हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है, वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उस उधर, अभी आजम से जरूर कहना। ओके 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 सर, ओके सर, ओके अपना ख्याल रखें। देखें मार्शला का कोई चांस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, आप तसल्ली रखें। लेकिन जो बावजूद इस बात के कि और टारगेट किया गया, देखें वहाँ पे और भी था, गवर्नर हाउस भी था लाहौर में, वहाँ पे रेंजर हाउस भी था, और कोर कमांडर के घर को जाने की डायरेक्शन जो है वो डॉक्टर साहबा क्या नाम है उनका यास्मीन राशिद, वो दे रही हैं, मैंने मीडिया पे सोशल मीडिया पे देखा वो दे रही हैं और बहुत से लोग दे रहे हैं। और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का एक रिश्तेदार है वो एक गाड़ी पे चढ़ा जो मुजाहरा कर रहा है, मैं समझता हूँ मैंने फौजी आमरीत के खिलाफ जो है तकरीरें की हुई हैं ऑन रिकॉर्ड हैं जनरल मुशर्रफ उस वक्त, लेकिन हमने कभी उस अदारे की तकरीम या उसका एहतराम जो है उसको वायलेट नहीं किया, हमने उनके सियासी मुदाखलत जो है उसको टारगेट बनाया कि अल्लाह का फजल है ऐसा कोई माहौल नहीं है। और उसके बावजूद जो है इमरान खान अपने हवारियों को सियासी जो जो हरीफ हैं उसके उसकी तरफ उतना नहीं उंगली उठा रहा, वो हमारे फौज के अदारे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है उन लोगों को। अदलिया को समझ आ रही है नहीं समझ आ रही, वो मुझसे ज़्यादा अकल रखते हैं, उनकी इज्तमाही अकल जो है वो हम सबसे ज़्यादा है, देख लें। आफत माजिद साहब न्यूज़ वन से। भाई साहब ये बताइएगा कि अच्छा भला एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हालात इस तरफ चले गए कि आम आदमी भी मुतासर हो रहा है, मुल्क पूरा मुतासर हो रहा है, तो इससे निकलने का कोई हल क्यों? देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल, आम आदमी भी मुतासर हो रहा है, पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है, लेकिन मुज़ाकरात जो है उसमें डिक्टेशन नहीं होती, हम मुज़ाकरात कभी जो है डिक्टेशन पे, वो जो तीन लोग बाहर बैठे हुए थे हमारे साथ बैठे हुए थे उनको जो बाहर इमरान खान के जो मुतालबात या उसके जो डायरेक्शंस आ रही थी मीडिया में आप लोगों ने देखी होंगी कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकती थी, और अल्टीमेटली उन्होंने मुज़ाकरात से आज फिर जो है पिछली दफ़ा तो मुज़ाकरात की इंस्ट्रक्शन हुई थी तो उसके बाद अदलिया का आया था कि हमने तो मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा था, ये कहा था ना, आज फिर उन्होंने कहा है उन कल पता नहीं की कहते हैं। हल क्या है इससे निकलने का, हल क्या है? देखें हाल ये है कि एक ही दिन पे जो है वो इलेक्शंस हों और वो इलेक्शंस जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर के अंदर, हमने नहीं कहा था कि असेंबलियों से ये इस्तीफ़ा दें, हमने नहीं इनको कहा था कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करें केपी की और पंजाब की खुद की, उसके बाद जो है खुद जो है मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता उस पर बैकआउट कर गए, इस्तीफे जो है कहने लगे जी कि जी हमारे पहले कहने लगे मंजूर करो, उसके बाद कहने लगे नहीं ना मंजूर करो,
ये अदलिया में सारा कुछ करते नहीं, आप लोग गवाह हैं इसमें, जहां पे मैं गलती करूँ मुझे प्लीज टोक दें। उसके बाद जो है परवेज लाई मिनते करता था, वैन पाता रहा कि ना कर ना कर, इन्हें वो असेंबली तोड़ दी। फिर उसके बाद फिर वो मुजाकरात में कहते रहे कि ठीक है असेंबली असेंबली खेल देते हैं, फिर जो है असेंबलियों में आ जाते हैं, हमें मिलके जो है असेंबलियाँ जाके और सप्तान खान को और दूसरे स्पीकर को कहा कि ये अदालतों में एप्लीकेशन दे दें। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारे एटीट्यूड में आपको कोई तजाद जो है या कॉन्ट्रडिक्शन जो है या वेरिएशन जो है आपको नज़र नहीं आएगी, उसके हर कदम पे वेरिएशन है। वो क्यों है आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। आप चौधरी साहब, सर ये जो कल के वाकयात में आर्मी तंसीबात पर हमला किया गया शाह पसंद अनासर की तरफ से, क्या हमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? अगर हुई तो किस तादाद में हुई? तादाद का नहीं कुछ मुझे पता, गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, जरूर हुई हैं। और उन लोगों की शनाख्त जो है सोशल मीडिया से हुई है, उस हिसाब से उनको पकड़ा गया है, जो तलकीन कर रहे हैं, जो जो इंसाइट कर रहे हैं, जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी सामने है। मैंने नाम भी ले दिया है खातून का जो है, और भी लोग बेशुमार मैं नाम ले सकता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिनका प्रेजेंस है इस वक्त इस हवाले से। आप जो है वो तादाद आपको कहेंगे ऑफिशियली आपको कल बता देंगे। आखिरी सवाल चलिए सर, एक सवाल और कर लेते हैं सर। ये जो सूरत हाल पैदा हुई, एक महाजर आई थी और एक इंतहा की तरफ जा रही थी ये सूरत हाल, अगर यही सूरत हाल 6 बजे का भी जो फैसला है इससे पहले वाली सूरत हाल ये कंटिन्यू करती है, तो ये मामला कहाँ जाके ख़त्म होता? आप क्या देख रहे थे, फोर्स ही क्या करेंगे? मुकदमात बनते रहते, गद्दारी के पर्चे कट के उनको सजाएं देते रहते, इसी तरह से चलता फिर। देखिए मैं मुझे ये एक बात बताएं कि ये सूरत हाल जो है इसको कंडोन करने की या इसको इग्नोर करने की या इसमें जो है वो क्या कहते हैं सरफ़े नज़र जो आप सजेस्ट कर रहे हैं इस्तेमाल करने की, ये हमें क्यों तलकीन की जा रही है? हुकूमत है बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हम तो नहीं बदम नहीं फैला रहे या हम तो नहीं किसी को कह रहे कि आप जो है रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करें और पाकिस्तान दुश्मनी का जो है सबूत दें। अब मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें जो है हिंदुस्तान का पूरा मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है कि जो मकासद 75 साल में वो नहीं अचीव कर सके पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ये इन लोगों ने उनको एक दिन में मुहैया कर दिए। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मैंने कभी अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, आज भी गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन तमाम तर शवाहिद जो है शहादतें जो है पिछले 2 दिन में जो कुछ हो रहा है वो इस बात के लिए की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो है कोई पाकिस्तानी सियासी अनासर जो है इस किस्म की बात जो है सोच भी नहीं सकते। हमने बेशुमार गलतियाँ की होंगी, बेशुमार कुताहियाँ की होंगी, लेकिन मुझे मोनोदेव जी आज की रास्ता भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता कोर कमांडर का घर किधर है। यास्मीन राशिद को पता था और लोगों को पता था, और कोई दो दिन में कई लोग मुल्क से फरार हो गए हैं, उनके वो किसके कहने पे काम कर रहे हैं, किन कुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल मुहैया किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई एक्शन लिया जाए, पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी जो है तबाह बर्बाद हो जाए। ये लोग पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता हूँ। चलें भाई उनको पहला सवाल है सर, ये जो लोग हमने भी देखे हैं सड़कों पे फेस भी किए, ये कोई आम लोग तो लग नहीं रहे जो थोड़ा ख्याल इम्पोर्टेड है सर, मैं बता रहा हूँ हमने खुद देखे हैं, वो इतने तरबियत याफ्ता है। नहीं मेरी बात सुने, ये सारा कुछ जो है ना ये सारा कुछ प्री प्लान था कि ये हुआ तो आपने ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये एक कोई इंस्टेंट किस्म का रिएक्शन नहीं था, ये सारा प्लान था। इसने एक किस्म की जो है एक SOP दी हुई थी अपने वर्कर्स को, तुमने ये करना है, और इसकी गवाही मिलती है जो जमान पाक में जो कुछ होता रहा है, वो ट्रेलर था, वो एक किस्म की रिहर्सल थी। अब ये कहता है कि मैं तो तशद्दुद के लिए कुछ नहीं कहा,
عدالت اس پہ یقین کرنا چاہتی ہے ضرور کرے بسم اللہ. میں تو نہیں یقین کرتا. جی آپ کہہ رہے ہیں یہ ورکر ہی ہیں. جی میں نہیں نہیں میں دیکھیں اس کے پاس ورکروں میری ایک میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر ہیں. میرا کلیریفائی کر دوں آپ چاہتے تھے کہ میں کوئی کلیریفیکیشن ایس قسم کی دوں. ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر بن چکے ہیں جو پاکستان مخالف لوگ ہیں جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ خود بھی اس راستے پہ یہ پاکستان کا تصور بغیر اپنے اقتدار کے اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے. پاکستان کا وجود جو ہے اس نے مشروط کر دیا ہوا ہے اپنے اقتدار کے ساتھ اپنی وزارت عظمیٰ کے ساتھ جو ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پاکستان جو ہے تباہ و برباد کر دے گا یہ خدا نخواستہ. سر علی وزیر نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ جی پہ حملہ کیا ہو اس نے خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہی سوال میں کر رہا ہوں جناب. آپ نے یہی تو میں نے اپنی کیا کہا ہے پریس میں آپ سے جب میں مخاطب تھا کہ یہ قانون کیوں ہے اس ملک کے اندر. علی وزیر کے لیے جو ہے ایک علیحدہ قانون ہے. ہم نے اسمبلی میں جنرل باجوہ صاحب کو اس نے میرے بھائی نے داوڑ نے یہ مسئلہ بار بار اٹھایا اور باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں باجوہ صاحب کہ ان لوگوں کو علی وزیر کو ہم نے اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس نے شہداء کی توہین کی ہے. انہوں نے کیا وہاں جا کے پھول چڑھائے ہیں وہاں پہ شہداء کی یادگاروں پہ. یہ آرگومنٹ ہمیں وہاں پہ دیا گیا ہے لیکن اب ایکشن لیا جا رہا ہے. جو علی وزیر کے ساتھ زیادتی ہوئی جو اس کے ساتھ حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی تھی ان کے علاقے میں جو ہے ان کا والد شہید ہوا ہوا ہے اس کے خاندان کے افراد شہید ہوئے ہیں. یہ تو سارے لوگ جو تھے یہ تو میں کوئی لفظ نہیں ایسا استعمال کرنا چاہتا لیکن یہ لوگ جو ہے یہ تو انہوں نے لوٹ مار کی ہے. پہلے صرف لیڈر لوٹ مار کر رہا تھا اور ساتھ یہ کابینہ کے لوگ اور ورکر. اب جو ہے ان کے ورکروں نے جا کے گھر لوٹے ہیں. کور کمانڈر کا گھر لوٹا ہے باقی عمارتیں لوٹی ہیں وہاں سے ایون دہی کے ڈبے بھی نکال کے لے گئے ہیں. لوٹ مار کی ہے. یہ چور ڈاکو لٹیرے تھے جو تھے کیونکہ لیڈر یہی ہے. لیڈر بھی یہی ہے. لیڈر زکات کے پیسے کھا جاتا ہے. فارن فنڈنگ کیس کیا ہے. لیڈر جو ہے لوگوں کی ڈونیشنیں کھا جاتا ہے. تھینک یو بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ محمد آس